हरियाणा को हिलाकर रख देने वाले जींद गैंगरेप और मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जिस युवक को आरोपी मानकर तलाश कर रही थी, उस युवक गुलशन का शव नग्न अवस्था में भाखड़ा नहर में मिला है। गुलशन की लाश मिलने से मामले की गुत्थी और उलझ गई है। पुलिस को सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र के किरमिच गांव के नजदीक हाथ पर गुलशन नाम लिखे युवक का शव मिला है। पुलिस ने शक होने पर गुलशन के परिजनों को वहां बुलाया। गुलशन के भाई ने गुलशन का शव होने की पुष्टि की। मेरा भाई गुलशन है। तो कहां से मिली डेड बॉडी इसकी? किरमिच के पास से मिली। क्या बता रही हूँ, डॉक्टर में दवाई मालूम कुछ नहीं पता। जिस साल में मिली इस साल यही है कि मार कहीं गिरा होगा जी, कपड़े से देखे जिस साल मर कहीं देखे नहीं मेरा भाई। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। 9:30 बजे करीब इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास कि लुटेड़ा हेड है भाखड़ा नहर में किरमिच से आगे, कि वहाँ पे एक डेड बॉडी आई हुई है। तो परिवार से संपर्क किया गया, वहाँ जाके शिनाख्त कराएंगे। तो जो लड़का गुम था, जो केस चल रहा है उसमें, ये उसी लड़के की डेड बॉडी है। पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र के झासा गांव की नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुलशन पर ही हत्या में शामिल होने का संदेह जताया जा रहा था, लेकिन गुलशन की लाश मिलने के बाद मामला और पेचीदा हो गया है।